मौसम समाचार में आपका स्वागत है। रोजाना ताजा मौसम की अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें डीडी परफेक्ट न्यूज को। तो चलिए जानते हैं आज कैसा रहेगा पूरे देश भर के मौसम का हाल। प्रदेश में मानसून ने दे दी दस्तक, कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। भोपाल मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस बार मानसून करीब एक सप्ताह की देरी से आया है। बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कई जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं अगले 5 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इन स्थानों में किया गया ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून शहडोल, मंडला और महाराष्ट्र से होते हुए पहुँचा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अलीराजपुर, झाबुआ, सागर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और बालाघाट, सिवनी समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि अगले 5 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 5 दिनों तक प्रदेश के सभी हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। राज्य के कई हिस्सों में बिजली गिरने की भी घटनाएं सामने आ सकती हैं। इन स्थानों में हुई झमाझम बारिश। यूपी वेदर अपडेट। प्रदेश में एक दर्जन से अधिक जिलों में जोरदार बारिश हुई है। रतलाम में 25, सतना में 24, गुना में 18, धार में 7, इंदौर में 4, खरगोन में 3, उज्जैन में 2, भोपाल में 1.5, भोपाल शहर में 0.9, सागर में 0.8, ग्वालियर में 0.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। गुना में 0.8, खजुराहो में 6, रतलाम में 5, जबलपुर में 5, नरसिंहपुर में 4, नौगांव में 3, दमोह में 2, रीवा में 1.4, बैतूल में 1.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और जुड़े रहें मौसम की ताजा जानकारी से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।